नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो यौन संपर्क के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत के लगभग 3 करोड़ लोग STD ऐसे संक्रमित पाए गए थे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वैसे तो आम है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर खुलकर बात नहीं करते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार STD ऐसे जुड़ी कुछ खास बातें हर किसी के लिए जानना जरूरी है। महिलाओं में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का खतरा ज्यादातर होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जननांग ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए उनमें STD की संभावना हमेशा ज्यादा रहती है। STD का इलाज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से कई गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। इसकी वजह से कई महिलाओं को पेवलिंग इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी हो जाता है। महिलाएं खुद और अपने पार्टनर को भी कॉन्डम का इस्तेमाल करने की सलाह देकर STD के खतरे को कम कर सकती हैं। आपको बता दें कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कुल 35 तरह के होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का इलाज नहीं किया गया तो इसकी वजह से इन्फेक्टिलिटी भी हो सकती है। STD की वजह से इन्फेक्टिलिटी होने का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा होता है। गोनोरिया और क्लैमाइडिया के फॉलोपियन ट्यूब में फैलने से महिलाओं की फर्टिलिटी पर इसका असर पड़ता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। STD की वजह से पुरुषों में भी इनफर्टिलिटी के मामले भी देखे जाते हैं, इसलिए किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर बिना झिझक डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। एसिमोटोमेटिक होते हैं, इसका मतलब है कि यह इन्फेक्शन बिना लक्षण के भी किसी में भी फैल सकता है। इसके कोई स्पष्ट लक्षण नहीं है जिसकी वजह से डॉक्टर सीधे तौर पर बता सके कि आप STD से पीड़ित हैं। खास तौर से हर्पीस और क्लैमाइडिया का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि कुछ मामलों में इनमें कुछ भी लक्षण नहीं होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कॉन्डम ही है, लेकिन फिर भी यह 100% सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। भले ही आप किसी भी तरह की यौन गतिविधि में शामिल हो, STDs का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए प्रोटेक्शन का हमेशा इस्तेमाल करें। लक्षण ना दिखने पर भी प्रेग्नेंट महिलाओं को STDs का टेस्ट कराना चाहिए। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे HIV और हेपेटाइटिस बी मां से जन्मे या फिर नवजात बच्चों में भी जा सकते हैं। कुछ STD बच्चे के जन्म के दौरान समस्याएं पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जन्म समय से पहले या फिर बच्चा कम वजन का पैदा हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के समय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का पता चलता है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट के जरिए इसका इलाज कर सकते हैं। गंभीर अवस्था में पाए जाने पर डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए डिलीवरी की सलाह दे सकते हैं। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नज़र, आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।